गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए मैं आपको आज पढ़ाऊंगी पाठ 20 भारतीय नृत्य कला। देखिए नृत्य कला जो है ये भारत में बहुत वर्षों से बहुत पुरानी परंपरा है जो कि ये भारत में बहुत वर्षों से चली आ रही है। ठीक है, भारत में नृत्य कला का इतिहास काफ़ी पुराना है। सन 400 ईस्वी पूर्व में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। इस नाट्य शास्त्र पर आधारित नृत्य जो है वो शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। इस भरत मुनि ने नाट्य संगीत की रचना की थी और इस नाट्य नृत्य को शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। संगीत नाटक अकादमी में 8 भारतीय नृत्य कलाओं को शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया है। देखिए पहला है ये फिगर, देखिए फिर बुक नहीं अगर आप लोग ले आएंगे तो नहीं होगा। ये फिगर देखिए, इस फिगर में 8 नृत्यों के दशाओं को चित्रित किया गया है। अगर आप बुक नहीं लेंगे तो आप ये चित्रों को उनके पहनावा और उनके उससे नहीं पहचान पाएंगे। देखिए जो है ये पहला दिया है कथक जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है और उत्तर प्रदेश में सब कथक के सबसे अच्छे कौन कथक करते थे? बिरजू महाराज। और बिरजू महाराज बनारस के ही रहने वाले थे। ये बनारस के रहने वाले बिरजू महाराज हैं। ये उत्तर प्रदेश के ही सबसे प्रसिद्ध नृत्य है कथक, और कथक ही है जो वो शास्त्रीय संगीत जो आपको बताए हैं 9 है उसमें पहला एक कथक भी है। ठीक है, दूसरा है कथकली। कथकली जो है ये केरल का डांस है। इसका देखिए पहनावा, और इसके पहनावे से ही पहले जो कथकली के लिए तैयार होगा, कथकली के लिए वो जब आएगा तभी आप उसके पहनावे को देख के ही बता देंगे कि ये कथकली नृत्य नृत्यांगना है या ये कथकली नृत्य करेगी। ठीक है, ये कहाँ का है? केरल की है। तीसरा है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है इसका भी पहनावा अलग किस्म का है और ये तमिलनाडु का वो चित्र वो है नृत्य। ये तमिलनाडु तीसरा है, ये तमिलनाडु का है और तमिलनाडु में जो नृत्य होता है उसको बोलते हैं भरतनाट्यम। और देखिए मणिपुरी वाला जो एक जो ऐसे घघरा बना के ऐसे पहनते हैं, आप लोग देखे होंगे पिक्चर में, वैसे भी ऐसे वो गोला सा बना देते हैं, खाली उनका वो हिलता है, उसको बोलते हैं मणिपुरी नृत्य। और वो मणिपुरी का ही है और उसको बोलते हैं मणिपुरी नृत्य। उनका पहनावा देख के ही आप बता देंगे कि ये मणिपुरी नृत्य करने जा रहे हैं। दूसरा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी आंध्र प्रदेश का है। जो वहाँ का डांस है, जो वहाँ का नृत्य है उसको कुचिपुड़ी नृत्य कहते हैं। उड़ीसी भी देखिए, उड़ीसी भी जो नृत्य है, ये नृत्यांगना जो पहनी है ये है उड़ीसी नृत्य, ये उड़ीसा का ही है उड़ीसी। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे नृत्य से देखते ही आप बता देंगे कि ये उड़ीसा का नृत्य है, ये नृत्यांगना जो है वो उड़ीसा की है। अब उसके बाद है मोहिनीअट्टम। ये जो है ये केरल का डांस है, ये केरल का नृत्य है मोहिनीअट्टम। ठीक है, और फिर आठवां है सतरिया। सतरिया जो है ये असम का है। सतरिया क्या है? ये असम का डांस है और आप लोग ये लोग वाइट कलर का पहनते हैं या ऐसे टोपी की जैसे पहनते हैं, टीका आपके बुक में है, आप उसको देखेंगे तब आप उनको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ का नृत्य है। ठीक, फिर है देखिए दिया है, ये है क्वेश्चन नंबर ब है, ये शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध नृतक है, इन्हें पहचान कर इनसे संबंधित नृत्य शैली का नाम लिखिए। पहला देखिए है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज प्रसिद्ध मशहूर नर्तक है। इन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए 2 गानों पर नृत्य तैयार किया था। तो बिरजू महाराज कौन सा डांस करते नृत्य करते थे? अभी हम आप लोग को बताएं, कथक। बिरजू महाराज क्या करते थे? कथक का डांस किया था करते थे। और ये जो हैं ये सत्यजीत रे की फिल्म कौन सी थी? शतरंज के खिलाड़ी में इन्होंने कथक नृत्य किया था।
नेक्स्ट वन है राजा और राधा रेड्डी। राजा और राधा रेड्डी ने इस नृत्य शैली को संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध किया। कौन सी नृत्य शैली थी? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है, जैसे कथक बिरजू महाराज ने किया, वैसे ही कुचिपुड़ी जो है, राजा और राधा रेड्डी ने इस नृत्य का इस नृत्य को आगे बढ़ाया, या उसके वो विश्व प्रसिद्ध हुए। संपूर्ण विश्व में इसी नृत्य के कारण राधा और रेड्डी प्रसिद्ध हुए। तीसरा है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी, ठीक है, और प्रकाश झा ने उनके जीवन पर सोनल नामक फिल्म बनाई, और उस फिल्म जो है वो कहाँ का है? उड़ीसी का है, ठीक है। उस नृत्य को कहते हैं उड़ीसी। फिर चौथा है रुक्मिणी देवी। अरुणदेल प्रसिद्ध नृत्यांगना है। उन्होंने चेन्नई में कला क्षेत्र नामक नृत्य विद्यालय की स्थापना की। किसने की? रुक्मिणी देवी ने चेन्नई में कला क्षेत्र नामक नृत्य विद्यालय की स्थापना की, और वहाँ पर उन्होंने भरतनाट्यम का नृत्य सिखाया। वहाँ पर उन्होंने भरतनाट्यम जो स्कूल एकेडमी खोला, वहाँ पर भरतनाट्यम का वो स्कूल खोला, ठीक है। फिर पांचवा है 7 वर्ष की छोटी आयु में सोहिनी रे ने कोलकाता के नृत्यालय से नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। कुछ ही समय पश्चात गुरु विपिन सिंह ने उन्हें शिष्या बना लिया। और वो कौन से डांस करती थी? मणिपुरी। कौन सा डांस? मणिपुरी। मोहिनी रे 7 वर्ष की आयु में ही मोहिनी रे कोलकाता के एक नृत्यांगना नृत्यालय से नृत्य की शिक्षा प्राप्त की, और उसके पश्चात गुरु विपिन सिंह ने उन्हें अपनी शिष्या बना लिया, ठीक है। तो देखिए ये पाठ 20 आपका ये है नृत्य कला। 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। उन 9 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में आप इनको देख लीजिए, उनके वेशभूषा, उनके पहनावा से ही आप समझ जाएंगे कि ये 9 नृत्य हैं। 9 शास्त्रीय नृत्यों के नाम आप याद करेंगे, और उसके आपको ये लिखने के भी के लिए आ सकता है कि कितने शास्त्रीय संगीत नृत्य हैं, उनको ये कहाँ के हैं, और कौन इस मतलब उत्तर प्रदेश में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है, उड़ीसा में कौन सा, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ये जो है ये सब आप लोगों से पूछा जाएगा, और आप लोगों को यही लिखना होगा। और यही भी है इसमें भी कि कौन सा नृत्य कहाँ का है, और इसके नृत्यांगना कौन है, ठीक है, इसको आप लोग तैयार करिए। कल मैं आप लोगों को अभी लेसन स्क्वायर पढ़ाऊंगी, ठीक है, पार्ट 21 स्क्वायर पढ़ाऊंगी, ठीक, ओके, बाय बाय। आप लोग 20 तक आज मैंने 19 और 20 पढ़ाया, आप लोग एकदम प्रिपेयर करिए। कल मैं आपको पार्ट 21 पढ़ाऊंगी, और आप लोग अपना ठीक ढंग से तैयार करिए। एग्ज़ाम पास आ रहा है, पढ़ाई ये वीडियो से ही होगी, इसलिए आप लोग मेहनत से पढ़िए, ठीक है, ओके, बाय बाय।